हम लोगों के वजह से अब असल जो मुद्दा है उस पे बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, युवाओं के बारे में बात हो रही है, भविष्य बनाने की बात हो रही है। और आप देखते होंगे जब तक भाजपा सत्ता में थी तो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही बात होती थी, यानी जहर बोया जा रहा था सोसाइटी में। अब अच्छी बात है ये, जो युवाओं की जो उम्मीद है और उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे कि ये जो भाजपा के लोग हैं ये कभी अपने बारे में तो बोलें कि 19 लाख दे रहे थे, 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़। ये भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे, बुलेट ट्रेन चलाने चले थे 2022 तक, कहाँ गया? ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे, केवल जुमला झूठ। ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? एक वीडियो एडिट करके चलाया गया जिसका जवाब हमने ट्वीट के माध्यम से दे दिया। गिरिराज सिंह जी से थोड़ा पूछिए कि थोड़ा हिम्मत जगाइए और अपने प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बिहार के 19 लाख का रोजगार का क्या हुआ, बिहार का विशेष राज का दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ? आज बिहार सुखाड़ बाढ़ से जूझ रहा है, आपकी टीम कहाँ है आपदा की? क्यों नहीं कोई सर्वे करने गया? थोड़ा जिगर है तो जरा प्रधानमंत्री जी से भी तो पूछो। और ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग काम वाले थोड़ी ना है, ये लोग तो कथा कथित कहानी बनाने में लोग लगे रहते हैं। इन लोगों को काम थोड़ी ना आता है करना, इन लोगों को केवल बेकार की बातें आती हैं करनी। 370 जब हटाने की बात थी तो इन लोगों ने क्या कहा था कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्यों हो रहा है? अभी भी 370 हटा दिया इन लोगों ने, क्या बदलाव आया? बल्कि और कश्मीरियों को ये दूर कर रहे हैं। तो इनका जो कथनी है और करनी जो है उसमें भारी अंतर है।